एक जिला एक उत्पाद में मथुरा का पोशाक उद्योग खूब चमक रहा है। पोशाक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग ने ODOP के तहत उद्यमियों की मदद की जा रही है। कहीं उद्योग लाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है तो कहीं कारीगरों को ट्रेनिंग देकर उद्योग को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। रोजगार तो हमारे पास ऐसी है, 10-12 आदमी हमारे पास रोजगार काम कर रहे हैं। सेठ लोगों को देते हैं, अपना तो कोई अपने पास पैसा तो है नहीं जो बना के हम बाहर दें तो हमें ज़्यादा रोजगार मिले। हम तो मजदूरी में काम करते हैं। धर्मनगरी के नाम से मशहूर मथुरा कान्हा की नगरी कही जाती है। कान्हा की सभी लीलाएं यहीं से हुई हैं, लेकिन इसी बीच यूपी में जब से योगी राज आया है तब से एक जिला एक उत्पाद से जिलों का अपना पैतृक व्यापार भी चमक रहा है। पूरे विश्व में मथुरा की पोशाक सबकी पसंदीदा है, और रहे भी क्यों ना, इसके लिए जो सरकार के साथ कारीगर भी पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। मथुरा की पोशाक उद्योग पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। योजना को लेकर हमने पोशाक उद्योग से जुड़े लोगों से बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार की योजना बहुत अच्छी है, लेकिन अभी इस योजना को जागरूकता की जरूरत है, जिससे ये योजना का लाभ धरातल पर देखने को मिलेगा और व्यापार में भी बढ़ोतरी मिलेगी। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे संज्ञान से कम मथुरा जिले में, मथुरा जनपद में 2 से 4 हजार व्यक्ति इस कार्य से लाभान्वित होते हैं, और ये व्यवहार घर उपयोगी घरों में बना करके टोटल व्यवसाय का संचालन चलता है। 40 वर्षों से तो सही तरीके से फल फूल रहा है, और उससे पहले से भी ये कार्य यहाँ निरंतर होता रहा है। साल में इस कार्य का कुल लगभग कितना व्यापार होता है? इसका अनुमान मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं एक छोटी सी व्यवसाय की संस्था को संचालित करता हूँ, तो टोटल सर्कुलेशन कितना है इस संदर्भ में मैं संज्ञान नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आई थिंक तो 4-5 हजार लोग इस कार्य में संलग्न है, तो आप लोग अपने आधार पर समझ सकते हैं कि सर्कुलेशन इसका कितना होगा। जी, मुझे को 7-8 साल हो गए हैं। 7-8 साल ये पोशाक का जो कार्य चल रहा है, पिछले कितने वर्षों से काम किया जा रहा है? पिछले जी करीबन मान लो इसको 25-30 साल हो गए हैं इस काम को करते हुए। सरकार ने चालू हुए जब सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना चलाई है, अब तक इसका आपको क्या फायदा मिला है? जी, अभी जो इन्होंने सरकार ने जो भी योजना चलाई है इसकी तो अभी कोई खबर कोई जानकारी हुई नहीं है अभी तक। तो क्या प्रशासन की ओर से आपको इस कार्य को कोई जानकारी दी गई हो या इसके लिए कोई ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था की गई हो? नहीं नहीं, अभी ऐसा कोई मतलब अधिकारी वगैरह कोई ऐसा आया नहीं है जिसकी कोई मतलब सुविधा कोई योजना वगैरह हमको अभी ज्ञात नहीं हुई, ना ही हमको मिली है कोई योजना अभी। जी, लगभग 15 साल करीब हो गई काम कर रहे थे। 15 साल हो गए। इसका कार्य से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? रोजगार तो हमारे पास ऐसी है, 10-12 आदमी हमारे पास रोजगार काम कर रहे हैं बस। तो साल में इस कार्य का कुल लगभग कितना व्यापार होता है? साल भर जो होता है अपना बस चलता है, मतलब जो हम लोग वैसे मतलब जो अपना बनाते हैं सेठ लोगों को देते हैं, अपना तो कोई अपने पास पैसा तो है नहीं जो बना के हम बाहर दें तो हमें ज़्यादा रोजगार मिले। हम तो मजदूरी में काम करते हैं। ऐसे योजना जो चल रही है, अब तक आप लोगों को कितना लाभ मिला है इसमें? इसकी जानकारी के बारे में हमें जानकारी नहीं है इसके बारे में। अभी तक आपको इसकी जानकारी नहीं? नहीं है। सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना चल रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसमें कि पोशाक को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मैंने सुना है, लेकिन इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, ना इसके कोई हमें लाभ मिला है, इसे पता नहीं इसके बारे में। क्या आप सरकार की योजना से संतुष्ट हैं या फिर इसमें कोई अन्य सुविधाएं होनी चाहिए? जो हमें लाभ मिला नहीं इसकी जानकारी पता नहीं है, तो संतुष्ट और असंतुष्ट की बात क्या है, उसमें कैसे पता? एक जिला एक उत्पाद के तहत उद्योग विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए जिला अधिकारी पुलकित खरे ने बताया कि उद्योग विभाग 3 तरीके से काम करता है, जिसमें उद्योग लगाने और उसे बढ़ावा देने के लिए लोन दिया जाता है, जिसमें सब्सिडी दी जाती है, कारीगरों को ट्रेनिंग देने का काम भी कराया जाता है, तीसरा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कहीं भी एग्जीबिशन लगाने के लिए माल भाड़े में अनुदान दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस साल का लक्ष्य सब्सिडी देने का 68 लोगों को 170 लाख दिया गया है, जिसके सापेक्ष में अब तक 160 लाख की सब्सिडी 44 लाभार्थियों को दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी हम काम कर रहे हैं।
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 3 गुना किया जा रहा है। जनपद मथुरा में भी सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है उसका सुचारू क्रियान्वयन कराया जा रहा है। जनपद मथुरा में है भगवान श्री कृष्ण की पोशाक और सैनिटरी के आइटम्स, इन दो वस्तुओं को जो है चिन्हित करा गया है जिनका प्रमोशन करना है इस स्कीम के माध्यम से, जिनका प्रचार करना है, जिनसे जुड़े हुए कारीगरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करना है। जनपद की अगर हम बात करें तो इस वित्तीय वर्ष में 68 लोगों का लक्ष्य रखा गया था, भौतिक लक्ष्य, जो कि लगभग उनको 170 लाख का लोन वितरित होना था और अभी तक हम लोग 44 लोगों को लगभग 160 लाख का लोन वितरित करा चुके हैं, स्वीकृत करा चुके हैं एंड प्रयास करके हम लोग इसको और भी ज़्यादा इसका प्रयास करके इसको बेहतर बनाने का कोशिश करी जा रही है। सर, सरकार ने इस योजना को अब तक 3 गुना बढ़ा दिया है, अब ऐसे में प्रशासन किस तरीके से उन लोगों को ऐसी योजनाओं को पहुंचाएगा? इस योजना पे और कार्य करा जा रहा है, इसके विस्तार के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पोशाक का निर्माण कर रहे हों या सैनिटरी काम कर रहे हों, उनका एक सर्वे कराया जा रहा है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी कैंप लगाकर इस योजना को विस्तारित करके उन तक पहुंचाया जा सके। सर, अब तक कितने रुपए की सब्सिडी इस योजना के तहत व्यापारियों को दी गई है? जैसे मैंने बताया कि अभी तक इस वित्तीय वर्ष में लगभग 160 लाख के आसपास की सब्सिडी 44 लाभार्थियों को दी जा चुकी है। बहरहाल योगी सरकार का लक्ष्य यूपी की $1 trillion इकोनॉमी बनाने का है, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है। इसके लिए सरकार लगातार जनता के हित के लिए काम कर रही है। इसी का जागता उदाहरण ODOP है, जिससे व्यापारियों के साथ कारीगरों को भी अच्छा खासा फायदा हो रहा है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। एक ब्रेक ले, यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।